हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योति रेफ्रिजरेशन में। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और तो साथियों, मैं रविंदर आज आपको किसी भी कंप्रेशर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को पहचानना बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, बने रहे वीडियो में। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो मिलने वाली है, जो आपके काम आगे आने वाली है। ठीक है साथियों, तो बने रहें वीडियो में। चलिए चलिए देखते हैं किस तरह से हम फ्रिज की के कंप्रेशर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को निकालते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको क्लाइमीटर बोला जाता है। ठीक है साथियों, और एक कंप्रेशर रखा हुआ है, इसमें हम पता लगाने वाले हैं कि रनिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। ठीक है साथियों, ये जो तीन टर्मिनल हैं, वैसे तो लगभग लिखा ही लिखा होता है, अगर एसी का कंप्रेशर है तो उस पर एक अलग से चिट बनी हुई होती है, स्टिकर बना होता है, जो कि उनमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग का पता होता है कि कहाँ कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग। अगर अदरवाइज नहीं मिलता है, ख़ास तौर से एसी के कंप्रेशरों में हो जाता है ये कंडीशन। तो साथियों, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास फ्रिज का कंप्रेशर सामने रखा हुआ है, उसके लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर सेट कर लेंगे, जो ये वॉल्यूम वाला आपको आइकन सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो ये साथियों इसको हम ये सेट हो गया हमारा, और ये हमारे सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, बजर पर करना है या रेजिस्टेंस पर करना है। तो हमें बजर पर जो स्पीकर वाला है उस पर सेट करना है। तो एक बार दबा देंगे तो स्पीकर बना हुआ आ गया साथियों, देखिए। ठीक है साथियों, तो अब ये यहाँ पर बोलेगा, इस तरह से बीप की आवाज़ निकालेगा मल्टीमीटर। ठीक है साथियों, तो साथियों चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग कॉमन स्टार्टिंग को कैसे पता लगाएं। तो साथियों, सबसे पहले हमारे पास जो ये टर्मिनल है कंप्रेसर के, 1 2 3, ठीक है। जैसे ये टर्मिनल बने हुए हैं, वैसे ही हम एक नीचे कॉपी पर डायग्राम बना लेंगे। ठीक है साथियों, इस तरह से कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। तो देखिए साथियों, कुछ इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे, जैसा ऊपर लिखा हुआ, एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट राइट में, एक पॉइंट लेफ्ट में, उसको हमने नाम दे दिया है ए, ऊपर वाले को ए, लेफ्ट वाले को बी और राइट वाले को सी। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में। तो साथियों सबसे पहले हम चेक करेंगे ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है साथियों, ये हमारी मल्टीमीटर में 31.3 वैल्यू या 2 वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है साथियों, तो इसको हम नोट कर लेंगे, 31.2 या 3 जो भी है उसको हम लिख लेंगे ए और बी की वैल्यू का, 31.3 ही मान लो। ठीक है साथियों, अब हम चेक करेंगे ए और सी की वैल्यू, या बी और सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हम, जैसे हमने अभी आपको आपको लिखी है, आपको लिख के दिखाया है यहाँ पर, इस तरह से अभी नोट कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों बी और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसके अंदर कितनी है। ए और बी की हमने निकाल चुके हैं, और बी और सी की हम निकालते हैं कितनी वैल्यू ये निकाल रहा है। देखिए साथियों, ये 54.87 निकाल रहा है इस समय पर, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे अपनी डायरी के अंदर, 54.7। अब हम चेक करेंगे सी और ए की वैल्यू। ठीक है साथियों, देखिए कुछ इस तरह से सी और ए की वैल्यू हमारी आ रही है 24.6। ठीक है साथियों, तो इसको भी हम डायरी में लिख लेंगे। तो साथियों, इस तरह से हम इसको भी नोट कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी डायरी के अंदर। तो ये जो हमारी सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होती है इस कंडीशन में, हमारी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग होती है। ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है, आ रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास कॉमन आ जाती है निकल के बाहर, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट वाला ऑप्शन रहता है। जैसे हमारी कॉमन और सॉरी रनिंग और स्टार्टिंग की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसके सामने वाला जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। ठीक है साथियों, तो हम इसको लिख लेंगे सी। अब हमारे पास सी निकल के आ गई है। ठीक है साथियों, अब हम चाहिए रनिंग
कंफर्म करने के लिए और स्टार्टिंग कंफर्म करने के लिए इन दोनों में से कौन सी है, ए बी बी स्टार्टिंग है या सी स्टार्टिंग है। ठीक है, ठीक है साथियों, पहले हम सी निकालेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारी इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंटों में जो वैल्यू आएगी, एक्स्ट्रा वैल्यू ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इसको भी देख लेंगे कॉमन के बाद। तो देखिए साथियों, ये इस तरह से वैल्यू आ रही है हमारे पास 31.1। ठीक है साथियों, ये कॉमन है हमारी। कॉमन के बाद इसमें इन दोनों में कॉमन और स्टार्टिंग में और इस कॉमन और रनिंग में जो भी वैल्यू इन दोनों पॉइंटों में जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये और ये, ये और ये, इन दोनों पॉइंटों में जो भी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम स्टार्टिंग बनाएंगे अपनी। तो देखिए इस तरह से एक और बार देख लेते हैं। 31 पॉइंट कुछ आ रही थी, 31.1 हो गई और यहाँ पर आ गई हमारी दूसरे कॉमन वाले पॉइंट से दूसरे टर्मिनल को छुएंगे 24.3 आ रही है। ठीक है साथियों, तो जो हमारी ज़्यादा आ रही है वो आ रही है, जैसा कि हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 31.3 आ रही है। तो स्टार्टिंग हमारी ये हो गई साथियों। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ये निकालनी है दोनों में से, स्टार्टिंग हमारी ये हो गई 31 ज़्यादा वाली। ठीक है, उसके बाद बची हमारी रनिंग। तो जो वैल्यू कम आती है, स्टार्टिंग वैल्यू इसलिए ज़्यादा आती है ताकि जो कि इसमें हमारे जो रनिंग और स्टार्टिंग को एक वायर से जोड़ा जाता है जब हम वाइंडिंग करते हैं। ठीक है साथियों, ताकि सर्किट बना रहा है पूरी तरह से। और रनिंग वैल्यू इसलिए कम आती है कि स्टार्टिंग हमारी वो सॉरी रनिंग में जो वाइंडिंग होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी रनिंग आ गई निकल के। तो इस तरह से आप भी हर कंप्रेसर की रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। तो साथियों, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा ये जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या समझ नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है साथियों, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक कर लीजिए। ठीक है साथियों, बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलने वाली है इस चैनल के माध्यम से आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद।